पांच राज्यों के चुनाव में चार राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भाजपा को तीन राज्यों में बड़ी सफलता मिली, वहीं कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। इस चुनाव में बीजेपी क्यों कांग्रेस को हराने में कामयाब हो गई, वहीं दूसरी तरफ क्या वजह रही कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, इन सभी मुद्दों पर एक एक करके आज इसी वीडियो में बात करेंगे। कारण नंबर एक, बीजेपी की पिच पर बैटिंग करना सबसे बड़ी वजह। जिस तरह से बीजेपी हर चुनाव में मंदिर और धार्मिक एजेंडे को कैश कराने में कामयाब हो जाती है, इस बार भी ठीक वैसा ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका सहित कांग्रेस के तमाम नेता मंदिर मंदिर घूमे, जिस पर बीजेपी ने चुनावी हिंदू कहकर उनका खूब माखौल भी उड़ाया। एक तरह से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी की पिच पर खेलने के लिए कांग्रेस चली गई थी। दूसरा कारण, जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं हुआ कामयाब। मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जातिगत जनगणना सहित आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन इसका मतदाताओं पर कोई खास असर नहीं देखा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो सबसे निचले तबके का वोटर है, उसे जातिगत जनगणना आरक्षण की समझ नहीं होती है। उसे सिर्फ इतना समझ में आता है कि उसका डायरेक्ट लाभ क्या और कहां से हो रहा है, जैसे मुफ्त राशन, फ्री गैस सिलेंडर, लाडली लक्ष्मी योजना हो, क्योंकि वह ओबीसी, दलित, आदिवासी, गरीब, मजदूर, रोज कमाने खाने वाला तबका, जिसकी चुनाव में सबसे बड़ी भागीदारी होती है, उसे लगता है कि जाति जनगणना, आरक्षण आदि चीज़ें उसके लिए किसी तरह से फायदेमंद नहीं हैं। इन सब का लाभ उनके ही समाज के संपन्न लोग ही ले पाते हैं। बीजेपी का बूथ स्तर तक मजबूत संगठन भी एक बड़ी वजह बना। भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर तक पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठनात्मक ढांचा तैयार है, जो हर चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में बूथ स्तर पर संगठन में भी कमजोरी देखी जाती है। इसको लेकर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कई बूथों पर इनका झोला पकड़ने वाला कार्यकर्ता तक नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में हर बूथ पर अगर किसी की पकड़ है तो वह है बीजेपी। दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है, इसके भी संगठन और कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के भी संगठन कुछ हद तक मजबूत है। 24 के चुनाव में खास कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बिना सपा या बसपा के कांग्रेस की जमानत बचाना मुश्किल होगा। अगला हार का कारण था कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस बना हार की वजह। चुनाव से पहले कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी हार का सबसे बड़ा कारण बना। जिस तरह से इंडिया गठबंधन के घटक दल आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को चुनावी राज्यों में सीटें न देकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, और यह एक बड़ी वजह रही। चुनाव से पहले कांग्रेस को लग रहा था कि इन राज्यों में कांग्रेस अकेले दम पर जीत लेगी, जिसकी वजह से उसने प्रेशर पॉलिटिक्स करने का मन बनाया और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने नेताओं से बयानबाजी करवाई। कांग्रेस नेताओं की आपसी गुटबाजी भी हार का कारण बनी। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में कांग्रेस के नेताओं में कई मौकों पर साफ तौर पर गुटबाजी भी देखने को मिली, जिसका असर सीधे तौर पर मतदाताओं पर पड़ा। और कांग्रेस की हार का एक सबसे बड़ा कारण उनके अपने ही नेताओं की गुटबाजी सामने आई। बीजेपी ने आखिरी समय में आखिर कैसे किया डैमेज कंट्रोल। भारतीय जनता पार्टी को जहां पर भी अपनी कमजोरी का एहसास हुआ,
उसने अपने बड़े नेताओं और मंत्रियों को चुनाव में उतारा, जिसका भरपूर फायदा भी उसे मिला। बड़े नेताओं ने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को ये संदेश दिया कि वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, जिसका असर ये रहा कि आसपास की कई सीटों पर भी इसका असर दिखा। क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में यह चर्चा जोरों पर थी कि इस बार मामा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे चुनावी नतीजे और इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।